और दोस्तों देखिए शीतल को बांध दिए हैं और दूध निकालने जा रहे हैं, और अर्चना की मम्मी उधर डब्बा धो रही हैं। बाबू तैयार हो गए बड़ा, बाबू भी तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए। तो इन लोगों का हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं, जानते ही हैं। देखिए इधर चारा, उधर देखो ना चारा, वैसे चोकर से भरा हुआ है लेकिन खाने का नाम नहीं ले रही है। उसको भी दिखा ले जाते पास में। और देखिए दोस्तों इसका मिल्किंग हो गया, दूध निकल चुका है इसका पूरा फाइनल। अभी देखिए ये पहले यही बाल्टी आप लोग देखते थे कि भर जाता था और भरने के बाद भी ऊपर से दूसरे डब्बे में निकालना पड़ता था, लेकिन ऐसा हो गया है इस समय कि आधा बाल्टी दूध दे रही है। देखिए हो गया इसका मिल्किंग। तो अभी चलेंगे दोस्तों हम बाज़ार, बाबू को भी स्कूल लेके जाना है और एक दो जगह भी जाना है, कुछ बनवा उनवा के लाएंगे। और डॉक्टर जो दवाई बोले हैं उसको भी अभी पिलाना है इसको पकड़ करके, तो कई लोग मिल रहे हैं तब जाके पिला पा रहे हैं हम। चलते हैं अभी। और दोस्तों देखिए दूध दे करके हम आ गए हैं और दोपहर का समय हुआ है, बहुत तेज़ धूप है, तो अभी चलते हैं इन लोगों को भी खाने का व्यवस्था करते हैं। देखिए दोस्तों ये देख लीजिए, तीनों खस्सी और गाय सब लोग एक ही में खा रहे हैं। है, चलो भागो, है भागो, उसको खाने दो। है और देख लीजिए इधर इसको दे रहे हैं अभी, लो देख लीजिए सूंघ रही है लेकिन खा नहीं रही है। लो लो देखिए ऐसे डाल दिए और सूंघ करके, हाँ अब खाने लगी। तो यही लोग का हाल है। लो हाँ अभी जैसे तैसे करके, मतलब कुछ भी करके खाएं बस। आह ये देखिए ये मुर्गा है, अर्चना का मुर्गा। लो इधर लो, अरे अंधा है क्या रे। देखिए ये इधर खा रहा है और पिंजरा में से निकाल दिए हैं पिताजी, तो ये वो पता नहीं किधर है और एक वो यहाँ पे खा रहा है। चलते हैं गाय लोगों को पहले दवा पिलाते हैं। और देखिए दोस्तों हम लोग कई लोग मिल करके गाय का दवा पिलाने के लिए पकड़ चुके हैं गाय को, और देखते हैं कि दवा पिलाने देती है कि नहीं। हमारे काला आराम से काला।
ढाई ले रहा दूर से होने से दूर से देखो हाँ दिखाई देती बहुत और देखिए दोस्तों, हम लोग दवा पिला चुके हैं और कितने लोग मिले थे तब दवा पिलाए हैं इसको। पानी में फेंका जाते नहीं। अरे तुमने सर छाने से एक रखे पड़ा तिया हाँ इधर बोलो ये दी बोली ये जग बोली का चला अब मना आगे बोल रहा था बाप हाँ अब मना आगे और दोस्तों देखिए, शीतल की बहन आ गई है और गुड न्यूज है आज। क्या नाम रहेगा अर्चना? क्या नाम रहेगा? शीतल। बाबू बोल रहा है शीतल, शीतल उसका नाम है नहीं दोस्तों, इसका नाम हम लोग रखेंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका नाम हम लोग क्या रखें। और अर्चना की मम्मी थोड़ा सा आज खुश हैं, इसलिए कि गुड न्यूज है और थोड़ा सा क्या पूरा खुश हैं। इधर घाटा गरज रहा है। और बहुत दुबली पतली है, एकदम बहुत दुबली पतली है। नहीं तो इसके बछड़े एकदम तगड़ा होते थे। और दोस्तों ये भादो मास में मतलब बच्चा दी है भादो में, तो थोड़ा देहात में ये सब इसको थोड़ा नियम पूरा करना पड़ता है, तो इसीलिए वो सब हम लोग सब किए। ये देखिए सेम अपने ही जैसे इस पे है, इसका काला है सफ़ेद है, इसके ही जैसे आई है। हाँ अपने मम्मी के जैसे हुई है। अर्चना कह रही है कैसे हुई है? अपने मम्मी जैसे, अपनी मम्मी जैसे हुई है। और दो बार में बछिया दी है, दो बार। फर्स्ट बार में बछिया दी थी जो हम लोग खरीद करके इसको लाए थे, और बहुत छोटी गाय थी फर्स्ट बार में, तो उस बछिया को हम लोग बेच दिए किसी कारण, बस कोई मजबूरी था तो हम लोग बेच दिए। उस समय पैसे की बहुत अभाव था तो बछिया को बेच दिए। उस समय हम लोग ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, वीडियो नहीं बनाते थे, कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन एक बछड़ा और दी तो उस समय भी हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे। लेकिन तीसरे बार जब तीसरे ब्याहत में नंदू को जन्म दी तब हम लोग वीडियो चालू किए थे। तो इसका बछड़ा तगड़ा होता था, लेकिन इस बार देखिए एकदम छोटी सी बछिया को जन्म दी है। कोई बात नहीं है। और दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ आग लगा था, उसका बात हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। और अभी तो फ़िलहाल में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करेंगे, जल्दी जल्दी मिल्किंग कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए, आज हमारे यहाँ गुड न्यूज आ गया है। और ये देखिए इधर शीतल पी रही है, मिल्किंग कर चुके हैं। और इधर देखिए शीतल की छोटी बहन आ गई, ये देख लीजिए। और ये देखिए इधर अतवरिया बैठी हुई है, तो आज अतवरिया ने गुड न्यूज दे दी।
और इसको बछिया को जन्म दी है दोस्तों, बछड़े को नहीं इस बार, और दो बार के बाद, तीन बार के बाद बछिया को जन्म दी है। तो दोस्तों ये इसको आप लोग कमेंट में इसका भी नाम रखिएगा, जैसे आप लोगों ने शीतल का नाम रखा, आप लोगों ने ही नाम रखा है शीतल का, तो इसका भी नाम रखिएगा। और दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बाय करने वाला कोई नहीं है। बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय गौ माता।